बस अब बहुत हुआ रशिया, हमें ऑयल चाहिए। उन पाइपलाइंस को फिर से शुरू कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। कम से कम मेरे ऑयल के कारण सारे देश यहाँ जमा तो हो जाते हैं वरना। ओके रुको रुको, जरा मेरी बात सुनो। मैं सोच रहा था कि इन एनर्जी रिसोर्सेज के कारण बार बार वॉर शुरू करने की बजाय क्यों ना हम मिलकर एक आर्टिफिशियल सन बना ले। तुम फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हो? अपना बेकार आइडिया अपने पास ही रखो। नहीं नहीं नहीं, ये सही कह रहे हैं। हम हर चीज को ऊर्जा प्रदान करने के लिए नया सन बनाते हैं ना, बेटर स्ट्रॉन्गर और फास्टर। चलो कुछ नया करें, कुछ नया बनाएं, सब साथ में मिलकर एक सन बनाएं। सॉरी हुआ क्या, मैं तो ऐसे ही गुनगुना रहा था। ए चाइना, तुमने वो शील्ड ब्लैंकेट पूरा कर दिया? हाँ, कब का पूरा कर दिया। फ्यूजन फ्यूजन, बहुत बढ़िया, मैंने भी क्रायो सेट को पूरा कर लिया है। बहुत बढ़िया, ये रिएक्टर 50 सन से भी ज्यादा गर्म होगा और हमें एनर्जी की प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होगी। फ्यूजन। क्या तुम्हें पता है चाइना, तुमने 2006 में दूसरा रिएक्टर बनाकर काफी अच्छा काम किया। मैंने थैंक यू कहा तुमसे कभी? हाँ कहा तो था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम हमेशा मुझे थैंक यू कह सकते हो। तुम सच में बहुत कमाल के हो, काफी एडवांस्ड हो। ये सच में काफी कमाल की चीज है कि हमने जब से लड़ना बंद किया है हमने काफी कमाल की चीजें बना ली हैं, है ना? अरे गलत है। चलो ठीक है, तो आखिरकार वो पल आ गया जिसका इंतजार था, ये रहा हमारा सन। आ गया नया सन, तुरु 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 तुरु। आओ पापा। बेटे पापा के पास आ जाओ। रुको, ये तो प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। चुप रहो, ये सब तुम्हारे कारण हुआ।